अध्याय दो। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है हम जो पार्थी और मेदी और इलामी लोग और मिसोपोटामिया और यहूदिया और कपदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिसर और लिबुआ देश जो कुरेने के आसपास है इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी क्या यहूदी मतधारणा करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा कि वे तो नई मदिरा के नशे में है पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलम के सब रहने वालों ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे परन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा हे इसराइलियों ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए जिसे तुम आप ही जानते हो उसी को जब वो परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया तो तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ा कर जिलाया क्योंकि वो होनार था कि वो उसके वश में रहता क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग न जाऊं इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मगन हुई वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा हे भाइयों मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है सो भविष्यद्वक्ता होकर और ये जानकर
कि परमेश्वर ने मुझे शपथ खाई है, मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। उसने होनहार को पहले ही देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दहिन हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया है कि जो तुम देखते हो और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिनी बैठ जब तक के मैं तेरे बोरियों को तेरे पांवों तले की चौकी न कर दूं। सो अब इसराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसने तुम्हें क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे की थी, और अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था।